चलिए फिर, काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं। थोड़ा सा टाइम हो गया इस बीच में। कहाँ गए थे आप? आप कहाँ गए थे? अच्छा, जरूरी है भाई, घूमना चाहिए। हाँ, नैनीताल गए थे। मनाली नहीं बोलते नैनीताल को, बता के इनको मनाली गए थे आप, नैनीताल। तो पढ़ाई में ब्रेक तो नहीं आ रहा किसी के? कोई ऐसा दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि देखो क्या है कि थोड़ा सा छात्रों में इस समय दो तरीके की चीज़ें होती हैं। जो आप एग्ज़ाम की तैयारी करें, पीसीएस का, यूपीएससी का पेपर देख लिया सबने, पेपर शायद हल भी करवाया गया है उनके द्वारा, सर के द्वारा। और पेपर मैं भी आप लोगों को एक दिन बस सिनेरियो, हो सकता है कि 16 तारीख को जिस दिन मेरा वर्कशॉप सेशन होगा उस दिन ही मैं बहुत अच्छे से पूरा पेपर जो है आप लोगों को, मतलब चीज़ों को बताते हुए समझाते हुए मैंने पूरा सॉल्व किया है। और मैं आपको विद प्रूफ अपना भी दिखाऊंगा कि जो हमने पढ़ाया था, जैसे मेडिवल से इस बार क्वेश्चन बहुत आ गए, पहली बार पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया, मेडिवल से क्वेश्चन आए। अब बताओ, वो कह रहा है कि सब पढ़ के आइए, ऐसा नहीं है। वो एक दो साल बाद कहाँ से क्या क्या सेक्शन आते हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी से बहुत क्वेश्चन थे, IR से बहुत क्वेश्चन कम हो गए, IR से इस बार IR कम कर दिया उन्होंने, करंट थोड़ा सा कम हुआ, तो आयोग चेंज होता रहता है, इसलिए पूरा पढ़ना है। इसलिए मैं हमेशा जोर देता हूँ कि सिलेबस पूरा करना चाहिए। दूसरी बात कि जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे थे UPPCS की, इस समय डिस्टर्ब चल रहा है आयोग, तो निश्चित तौर पे दिमाग डिस्टर्ब होता है। क्यों शिवानी जी, है ना? दिमाग में दो तरीके के बच्चे होते हैं। एक बच्चे हो सकते हैं कि इस समय जब कभी भी एग्ज़ाम की डेट टलती है, जब आपका PCS, मैं देखो बहुत व्यवहारिक चीज़ बताता हूँ क्योंकि मैं भी इन चीज़ों से गुजर चुका हूँ, जब एग्ज़ाम की डेट टलती है तो दो तरीके के स्टूडेंट रिएक्ट करते हैं। एक स्टूडेंट होते हैं जो बहुत सिंसियर तैयारी कर रहे होते हैं, उन्हें निराशा होती है क्योंकि उनकी तैयारी बड़े रिदम में चल रही होती है। दूसरा स्टूडेंट ऐसा भी होता है जो खुश हो जाता है, उनको लगता है अरे चलो बढ़ गई। वो लोग होते हैं जिनकी तैयारी गड़बड़ होती है। तो मैं गड़बड़ वालों से तो बात करूंगा ही नहीं, क्योंकि उनकी गड़बड़ जब नेक्स्ट डेट आएगी तब भी उनकी गड़बड़ ही रहेगी। जो सिंसियर स्टूडेंट हैं, आम तौर पर उन्हें करना क्या चाहिए, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी चाहिए, और वो कंटिन्यू रखते भी हैं। अपनी तैयारी को आप ब्रेक मत करिए, यदि आप ब्रेक कर देंगे तो दूसरा व्यक्ति आपके आगे निकल जाएगा। ठीक है, ये वक्त ठीक है। अब आपके आयोग को लेकर के जो प्रॉब्लम्स थी, चलिए पब्लिकली हमारे पास आ गई, हम लोगों को पता चल गया। मान लो ये सब चोरी छुपे चीज़ें हो जाती तो क्या होता, तब तो बड़ी गड़बड़ होती है ना। तो जो भी है, जहाँ भी गलत हो रहा है यदि उस पर सुधार। अब जैसे SSC को लेकर बड़ा लंबा संघर्ष चला, बच्चों ने संघर्ष किया, आज SSC का एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है। तो इसी तरीके से UPPCS, अब देर हो, हम नहीं चाहते जल्दबाजी में हो लेकिन अच्छे से हो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। धांधलेबाजी ना हो, चीज़ें ना हो, तो उसके लिए बड़ी अच्छी बात है। देखो पहली बार हुआ कि आयोग में परीक्षा नियंत्रक जैसी एक बड़ी, देखो बहुत बड़ी बात होती है UPPCS आयोग के परीक्षा नियंत्रक को उठा करके न्यायिक हिरासत में ले जाना, एक बड़ी बात है। गवर्नमेंट का बिल पावर है यहाँ पे, किस तरीके की वो नहीं हुई, एक बड़ी बात है हम लोगों के लिए, एक अच्छा मैसेज है सभी के लिए। तो UPPCS एक सही दिशा में अब शायद चला जाए। पिछले 5 साल से ये बातें उठ रही थी, उठ करके आज कम से कम पटल तक सामने आई हैं। तो आप सभी को तैयारी को लेकर के कंटिन्यू रखना चाहिए। दूसरी बात, जो आपका 20 अक्टूबर का एग्ज़ाम था, शायद वो पूरा कैलेंडर अब डिस्टर्ब हो चुका है। नया कैलेंडर ईश्वर की कृपा है, जल्दी आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता तो भी कंटिन्यू रखना है, ठीक है ना। अपने पास टाइम इनफ मिल रहा है। अब जो भी होगा, प्री अच्छे से होगा, मेंस अच्छे से होगा, सब अच्छे से होगा। 18 का मेंस था वो रुका, 19 का प्री है वो रुका, रुकने दो। अब इस दौरान कम से कम मौका मिला है कि आप पूरे सिलेबस को कर लो आप, ठीक है ना। अपना ऑप्शनल अच्छे से कर लो, GS अच्छे से कर लो, वो काम हमारा नहीं, वो हम थोड़ा ना कर लेंगे वो काम। अब चूंकि न्यायिक हिरासत में जिसके पास हैं वो करेंगे, या फिर आयोग के जो सदस्य बैठे हुए हैं वो ये काम करेंगे, तो ये काम हमारा नहीं है। इसलिए स्टूडेंट को इस विषय में ज़्यादा सोचने से कुछ मिलता नहीं है, आप बिना मतलब कि अपनी तैयारी ख़राब कर दोगे, ठीक है। अदर एग्ज़ाम अब आएंगे, जैसे आपका BR PCS का एग्ज़ाम आएगा, उसको लेकर मैं सबके फॉर्म भरवाऊंगा, जो लोग एक्टिव होंगे तैयार होंगे। अच्छा BR PCS चल रहा है अभी, शायद उनका 64वीं का मेंस भी है। इसके बाद दिल्ली का एक DDA का एग्ज़ाम निकलता है, उसको लेकर के भी मैं जब भी आएगा वो फॉर्म, उसमें नायब तहसीलदार लेवल की बढ़िया पोस्टें होती हैं, वो एग्ज़ाम को भी हम एक्टिवनेस के साथ देखेंगे। इसके अलावा आपका MPPSC है, कोई गलत नहीं है, बहुत अच्छा एग्ज़ाम, इसमें बहुत बेहतरीन वो भी चल रहा है। MPPSC में मेरे मित्र एक दिन आए भी थे, आप लोगों के साथ रूबरू भी हुए थे, तो वहाँ पे वो तो अब जैसे एक एग्ज़ाम्पल है, मेरे साथ का मेरा मित्र जो है, ये कोई भी किसी तरीके से, तो हर जगह कोई करप्शन नहीं है,
करप्शन है मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन करप्शन सबके साथ नहीं है, तो ऐसा नहीं है। तो आपको एमपीपीएससी भी देना चाहिए, हर स्टेट को हम लोग टारगेट करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट होंगे, ठीक है ना। कोई ज़रूरी नहीं यूपीपीसीएस जब होगा तब अच्छे से यूपीपीसीएस देंगे। जीएस सबका सेम है, स्ट्रेटजी में सिर्फ और सिर्फ स्टेट स्पेशल का होता है, उस पर भी जो काम करना होगा हम कर लेंगे। इसलिए अभी ये दौरान में घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है, अपनी तैयारी को कंटिन्यूस रखना है, ठीक ना। तैयारी को लेकर के यदि आप अभी थोड़ा सा भी रिदम अपने तोड़े तो फिर आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। आयोग की गलती है नो डाउट, क्योंकि ये सब स्थिति पे थोड़ा सा डिस्टर्ब तो होता ही ब्रेन। मेरा भी थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था बीच में कि अब क्योंकि अचानक से बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कॉल आए, फ़ोन आए, सब परेशान हो गए। मैं भी कुछ देर के लिए मैंने कहा अब क्या करें, इसी कारण से मैं बीच में निकल भी गया था यहाँ से, है ना। डिस्टर्ब हो गया विश्वास, वही है ट्रस्ट अचानक से टूट जाना। 3-4 एग्ज़ाम दिए, मैं भी बैठा हुआ हूँ पीसीएस के, तो कहीं ना कहीं पे बस ये है कि अब थोड़ा सा रुक लेते हैं, अब अच्छे से आयोग को हो जाने दो, क्लियर साफ हो जाने दो इसको। पहले गंगा वहीं पे बह संगम में 2-4 बार डुबकी लगवाएं इनको, ताकि थोड़ा सा इनका दिमाग सही हो, और फिर इसके बाद एग्ज़ाम हो तो ज़्यादा अच्छा है। अब चूंकि प्रशासन और शासन दोनों के जद्दोजहद में चीज़ें आ चुकी हैं, इसलिए अब तो पाक साफ ही होगा। अब जो अगला एग्ज़ाम 19 वाला आपका होगा, ये मान के चलिए वो बहुत अच्छा होगा। कब होगा हमें नहीं पता, लेकिन होगा तो बेहतरीन होगा, इसलिए तैयारी बेहतरीन कर लो, ठीक है। उसमें आपका जो बच्चा मेहनत करेगा वही जाके सेलेक्ट होगा, इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। और पढ़ाई के लिए, पढ़ाई पे आप ब्रेक मत लगाइए, मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ। जो मेहनत करके अभी पढ़ लेगा वो 19 के रिजल्ट में खूब खुशी के साथ होगा, ठीक है। पैसे का सीन अब ख़त्म हो रहा है, जो भी होगा सही कह रहे हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ बस, तो ये जो हो रहा है अच्छे के लिए आप लोगों के हो रहा है, इसलिए पैनिक में नहीं आना, ठीक है ना। कोई भी टेंशन ना लो, सब चीज़ें बढ़िया से हो जाएंगी, ठीक है। और आर्ट एंड कल्चर आपका जो टॉपिक मैं चला रहा था ये लगभग ख़त्म है, एक दो दिन की बात और है, एक दो दिन में पूरा टॉपिक आपका ख़त्म हो जाएगा। कल शायद लास्ट दिन हो आर्ट एंड कल्चर के लिए। आशा करता हूँ कि आप लोग पढ़ भी रहे होंगे, पढ़ रहे हैं। 16 तारीख को जो सेशन हम लेंगे, मैं आशा करता हूँ कि उसमें आइए, सब लोग आइए, उस पर एक बार फिर से मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को कुछ बेहतरीन बताने के लिए। और इसके बाद आपका नया सेशन जो चालू होगा, कुछ रूल एंड रेगुलेशंस जो हमने तय किए हैं वो रहेंगे। 17 को हो सकता है बड़ी भीड़ दिखे क्लास में, लेकिन जैसे जैसे जो लोग 3 दिन का हम टाइम देंगे, 3 दिन जो गायब होंगे वो फिर उस सेशन में नहीं बैठ पाएंगे, जो भी टॉपिक चालू होगा। अब टॉपिक अभी हम थोड़ा और डिसाइड कर रहे हैं, टॉपिक वैसे अभी तक डिसाइड हो गए थे, लेकिन एक बार आज बैठ के मैं और डिसाइड करूँगा कि क्या विषय वस्तु हम शुरू करें। फिजिकल ज्योग्राफी अभी डिसाइडेड था, हो सकता है कुछ और चेंज, मॉडर्न हिस्ट्री आ जाए, कुछ आ जाए, जो भी होगा अभी बैठ के हम चर्चा करें। क्योंकि हमने बनाया कुछ ऐसा था अभी तक सिनेरियो कि हम बैचेस को 2 लेवल में बांट देंगे, एडवांस और बेसिक। अब एडवांस हम चूंकि 3 महीने का ही बनाना चाहते हैं, तो एडवांस अब हालात बचे नहीं एडवांस के, पीसीएस के लिए बनाते हैं हम एडवांस बैच, और सेलेक्ट करते जो बच्चे मेंस लिख चुके हैं पहले, उन सबको हम आह्वान करते। लेकिन अब चूंकि अभी सिनेरियो ठीक नहीं है, हो सकता है बाद में हो, तो अब क्या सब्जेक्ट चलेगा देखेंगे। हो सकता है मैं हिस्ट्री चालू कर दें, मॉडर्न हिस्ट्री आपका टॉपिक बचा है, या फिर आपका जो ज्योग्राफी का टॉपिक है, फिजिकल ज्योग्राफी हमने प्लान किया था, तो देखेंगे अभी जो बनता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी भी टॉपिक आपका बचा हुआ है, उसको मैं आपको 1-2 दिन में बता दूंगा जो भी होगा। तो 16 वाला जो सेशन आपका होना है उसमें आप लोग सब लोग बैठिएगा, उसमें हम यूपीएससी भी उठाएंगे। यूपीएससी कम से कम फेयर है, बहुत अच्छे से साफ सुथरा है, सबको पता है, और साफ सुथरा होने के साथ साथ दूसरी बात यह कि बहुत आसान है यदि उसको डिटेक्ट किया जाए तो, ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसानी से उसको पकड़ा जा सकता है। करंट अफेयर्स की क्लासेस हम जून के महीने से अब सप्ताह में 2 दिन जरूर लेंगे, उसके लिए टाइम एक्स्ट्रा रहेगा। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंस रोल अदा कर रहा है, करंट अफेयर्स इसलिए इंपॉर्टेंस रोल अदा नहीं कर रहा कि करंट से क्वेश्चन आ रहे हैं, बात यह आ रहा है कि करंट के आधार पर बेसिक पूछा जा रहा है, बस ये मुद्दा है, समझ रहे हैं। करंट की कोई घटना घट रही तो बेसिक में काम आ रही है, क्वेश्चन बेसिक का ही है लेकिन वो पूछा करंट से जा रहा है, करंट के कारण वो जिंदा हो गया, तो वो इस कारण से करंट को कुछ उसी तरीके से कराएंगे, ठीक है। अभी हो भी रहे हैं, जैसे अभी रावीन सर ने लाइव में बहुत सारी चीज़ें ली हैं कि अभी जैसे कि आपका IR में बहुत सारे बदलाव हुए है ना। पहला बदलाव हुआ कि विदेश नीति को लेकर के, अभी जैसे प्रधानमंत्री की मालदीव यात्रा रही, अभी श्रीलंका गए, या फिर अभी बिम्स्टेक सार्क से बिम्स्टेक तक की यात्रा था, कैसे हमने सार्क को छोड़ कर के बिम्स्टेक को अपना लिया, कैसे नॉर्थ जो आसियान कंट्रीज़ हैं उनको लेकर के प्रेफरेंस दी यहाँ पे, तो वो सारी चीज़ों को हम एक बार ध्यान में रखते हुए
एक सिनेरियो पूरा डिस्कस करेंगे। 16 तारीख को मैं पिछले साल के क्वेश्चंस यूपीएससी का जो 2019 वाला है और जो पिछले साल के होंगे, मैं बहुत लंबा सेशन लूँगा, मान के चलो कि 7 से 8 घंटे चलेगा, इसलिए 16 को आप लोग सब लोग उपस्थित रहिएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद आप लोगों को एक नई तैयारी, नई दिशा, नई रणनीति, नया डिस्कशन सब करेंगे। कुछ रूल एंड रेगुलेशन हम यहाँ के लिए तय करेंगे, वो फॉलो होंगे। मेन वही है आपका रूल रेगुलेशन, जैसे कि हमने बताया था आपको कि 3 दिन जो गायब होगा उस सेशन से उसको फिर फाइनली हम हटा देंगे, वो सेशन उसके लिए नहीं रहेगा। जो यहाँ पे यही होगा, फिर आगे वाले समय में यही देखोगे कि शुरुआत एक भीड़ के साथ होगी, लेकिन धीरे धीरे लास्ट तक कुछ ही कम लोग पहुँचेंगे। तो जो ये अटेंडेंस का प्रॉब्लम है या अदर कोई प्रॉब्लम है, सब सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। बीच बीच में मुझे भी पसंद नहीं आता कि 3 दिन आप आए, 3 दिन बाद फिर गायब हो गए, फिर 3 दिन आए, फिर 3 दिन गायब हो गए। तो बेहतर है कि आप कायदे से गायब ही हो जाओ, फिर अगले सेशन में मिलना, आप नया टॉपिक चालू होगा, फिर वहाँ से एंट्री करिए, तो पूरा सब्जेक्ट करिए हमारे साथ, बीच बीच का करने का कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। तो ये जो सिद्धांत अब लेके चलेंगे, इसको ज़्यादा इसी से हो सकता है आप लोग की अटेंडेंस सही हो जाए, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, आज मुझे बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ाना है आपका, कठपुतलियाँ, पपेट्स, है ना।